is normal email world. This is Robotics Kanti. Hello world, this is Robotics Kanti. हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लाए हैं एक रोबोट का सर, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट रोबोट का सर है, तो इसको आप लोग आसानी से इसको मूविंग कर सकते हैं। तो ये जो इसके अंदर का जो मैकेनिकल चीज है वो मैंने दो वीडियो में बताया था, तो आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो में, आप इस पे जाके देख सकते किस प्रकार से इसका अंदर का जो मैकेनिकल है उसको बनाया है। और अभी इसको धीरे धीरे डेवलप करेंगे और इसको और भी मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं इसका जो सर है वो किस प्रकार से सॉफ्टवेयर के मदद से, मोशन सेंसर के मदद से इसको मूविंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय चेल्सी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। और जेएलसी पीसीबी से एसएमटी कंपोनेंट भी आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ इस पर आप बोम फाइल अपलोड कीजिए, गर्बर फाइल अपलोड कीजिए और सीपीएल फाइल अपलोड करके आसानी से एसएमटी पीसीबी बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, इस रोबोट को मैंने दो सॉफ्टवेयर के मदद से इसको ऑपरेटिंग किया है जो मूविंग करता है। तो इसको क्या है, आर्डिनो मैंने लगाया है, इसका जो सर्वो है, सर्वो को आर्डिनो की मदद से इसका मूविंग होगा। तो आर्डिनो के अंदर एक प्रोग्रामिंग आउटपुट किया है जो कि सर्वो को कंट्रोल करेगा, और आर्डिनो को कंट्रोल करेगा जो इसका जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसके मदद से हम लोग आर्डिनो को कंट्रोल करेंगे। मतलब आर्डिनो पे जो भी प्रोग्रामिंग देंगे, जो भी कोडिंग देंगे, वो सर्वो को कंट्रोल करेगा आर्डिनो। इस प्रकार से इसका काम किया है। तो अभी चलिए इसका कंप्लीट जो सर है उसको किस प्रकार से बनाया है और इसके कनेक्शन किस प्रकार से किया है सब कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। Robots Information Technology Activate. Thank you.
अभी आप लोग देख सकते हैं ये रोबोट का जो फेस है ये कंप्लीट हो गया है। इसका और भी कुछ काम बाकी है लेकिन अभी आपको दिखाएंगे इसका जो आई किस प्रकार से मूविंग हो रहा है, इसका जो सर है वो किस प्रकार से मूविंग हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। तो मैंने इसका कनेक्शन किया है, तो इसका जो आर्डिनो है आर्डिनो पे अपलोड किया है प्रोग्रामिंग, और आर्डिनो को हमने ऑपरेट किया है पाइथन से, ठीक है। तो पाइथन के मदद से हम लोग इसको ऑपरेटिंग करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फेस इस पे ले रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब कुछ इसमें आएगा। तो अभी आपको मैं मूविंग करके दिखा रहा हूँ और इस पर फेस जिस तरफ जाएगा उस तरफ इसका आई जो है आंखें मूविंग करेगा। तो अभी चलिए टेस्ट करके अभी देखते हैं। तो ये लेफ्ट राइट में हो रहा है, तो अभी देखिए ऊपर की तरफ होगा, तो देखिए ऊपर की तरफ ये मूविंग कर रहा है। तो अभी नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ ये मूविंग करेगा, इस तरह ये मूविंग बहुत ही अच्छे से कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने आई पे सेट किया है। अभी आपको सर को घुमा के दिखाएंगे, तो इसका सर घूमेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जिस तरफ मैं मूविंग कर रहा हूँ ये जो सर है सर भी मूविंग कर रहा है। तो इसका आंखें भी हम लोग मूविंग कर सकते हैं और सर भी मूविंग कर सकते हैं। तो ये एक डेमो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसको और भी मॉडिफाई करेंगे, इसका जो मुंह है मुंह को भी साउंड के साथ ये अप एंड डाउन करेगा। तो इस तरह इसका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे डेवलप करेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये हो रहा है। तो देखा आपने बहुत ही अच्छे से ये मूविंग कर रहा है, ये बहुत ही जल्दी भी हो रहा है, ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक रोबोट का सर हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली 3D प्रिंटिंग से हमने बनाया है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।